हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्ट ऑफ ट्रुथ चैनल। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ संसद भवन में क्यों लगे हैं उल्टे पंखे। दोस्तों, आप लोगों ने सभी के घरों में पंखा तो देखा ही होगा। ये पंखे हमारे घर में छत से नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पर पंखे उल्टे लगे हुए हैं? तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि ये कौन सी जगह है जहाँ पर पंखे उल्टे लगाए गए हैं। दोस्तों, हमारे देश की संसद में भवन में पंखे को उल्टा लगाया गया है, यानी पंखे जमीन से छत की ओर लगे हुए हैं। तो आइए आपको बता दें संसद भवन में उल्टा पंखा क्यों लगाया गया है। दोस्तों, 21 फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने संसद भवन की नींव रखी थी। दोस्तों, इसे डिजाइन करने की जिम्मेदारी मशहूर आर्किटेक्चर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट पेकर को दी गई थी। दोस्तों, आपको बता दें संसद भवन को तैयार होने में टोटल 6 साल लग गए थे। जब संसद भवन का निर्माण हो गया, उसके बाद इसे भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 में उद्घाटन किया था। जानकारों की माने तो जब संसद भवन को बनाया गया था, तब इसका गुंबद काफी ऊंचा बनाया गया। तो वहीं सेंटर हॉल का गुंबद पूरे संसद का सेंटर है। ऐसे में उस समय जब पंखे लगाने की बारी आई तो छत काफी ऊंची हो गई थी, जिसके कारण सीलिंग फैन लगाना मुश्किल हो रहा था। इसमें सेंटर हॉल में अलग से खंभे लगाए गए। दोस्तों, इस तरह से बात बन गई और हॉल के कोने कोने तक हवा पहुंचने लगी। तब से ये पंखे इसी तरह लगे हुए हैं। संसद भवन की ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि नरेंद्र मोदी को कौन कौन पसंद करता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिए।